हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज बार का स्किल टेस्ट था और जो हमारे भी स्टूडेंट जो है स्किल टेस्ट किए थे, ट्रेनिंग किए थे, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। बार स्किल टेस्ट के लिए गए हुए हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे आगे आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आपको बताया जा रहा है कि आज जो है क्या पूछा गया और हमने वो प्रैक्टिस करवाया था कि नहीं करवाया था, और क्या हमारी मेहनत हमारे बच्चों का काम आया कि नहीं, या बच्चों का मेहनत हमारा मेहनत काम आया कि नहीं आया। विद्यार्थियों द्वारा हमने रिव्यू लिया, बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत खुश हुआ कि जो हमने जॉब बनाया था ठीक उसी तरह का जॉब आया। इससे बड़ा खुशी क्या चाहिए। और हम बता बार कहते थे लोग बड़ा बड़ा फिगर और डायमेंशन के चक्कर में रहता था। हम कहते थे ना कि उतना ही प्रोसेस आप सीखिए जो प्रोसेस सीखना है, जो प्रोसेस जानना है वो सीखिए। आप मेटल काट देना, आपको बार बार एक बार उदाहरण भी दिए थे हमने कि ठेला वाला भी काटिंग कर सकता है, नहीं लेकिन बनाने क्या प्रोसेस आपको बनाना है, क्या चीज़ है उसमें ध्यान रखना है, ये कोई ध्यान नहीं रखता। तो इसको ध्यान में रखते हुए शेखर सर ने भी बहुत मेहनत किया था। शेखर सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम कि इतना बच्चों पर मेहनत की कि आज बच्चे खुशी होकर फ़ोन कर गए हैं, कहें कि सर आज आपका मेहनत सफल हुआ, हमारा मेहनत सफल हुआ कि सर हमने बहुत अच्छा जॉब बनाया है। और कोई आपको वीडियो में सर बताएंगे कि हमारे द्वारा कैसा जॉब बनवाया गया था, सेम टू सेम उसी तरह का जॉब आया है बनाने के लिए। इससे बड़ा खुशी क्या चाहिए। उसके बाद सर आपको बताएंगे कि कितना घंटे का समय मिला, कितना थिकनेस रहा, कैसा डायमेंशन रहा। अभी भी कोई साथी छूट रहा है, अभी भी कोई भाई छूट रहा है, तो उसको मार्किंग करके दिखाइए और सिखाइए कि बताइए आप कुछ। नमस्कार दोस्तों, फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैंने शुरू से ही कहा था आप सिलेक्शन कर जाइएगा तो एक मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर आपका मेहनत सफल हुआ, तो उसी दिन हम जानेंगे कि हमारे साथी, हमारे जो विद्यार्थी सीख रहे हैं वो हमसे बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही प्रेरित है, सीख पा रहा है कोई, तो हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे और भी जंग जीत के दिखाएंगे आपको। तो देखिए, हमने मेहनत, हमारा मेहनत, आपका मेहनत, दोनों लोग जब मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो जरूर सफल होंगे। मैंने जितने दो साथी से कहा था कि जितने भी जरूरी टॉपिक होंगे मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैंने नहीं छोड़ा, चाहे वो मार्किंग का हो, ड्रिलिंग का हो, टैपिंग का हो। टैपिंग वाला भी चढ़ा दिया था, टैपिंग का साइज निकालना था वो भी मैंने करवा दिया था। भले एग्जाम में आया ना, मैंने हर तरह से आपको प्रिपेयर कर दिया था। और आज के एग्जाम में डीवी से क्या टूल्स वगैरह क्या मिला, ड्राइंग कैसा आया था, सब चीज़ में बताने वाला हूँ। आगे समय कितना मिल रहा है, सब्सक्राइब अगर दोस्तों से तो यही एक है कि आपको बस लाइक करना है। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जोड़िए कि हाँ यहाँ से मेरा एक भाई बताता है, अच्छा बताता है, आपको लगता ही होगा मैं बेस्ट देता हूँ। अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दे, मार्किंग से हो गया, ड्राइंग से हो गया, कटिंग, प्रैक्टिकल जरूरत पड़ता है तो करके आपको दिखाता हूँ। तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो आज के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे, जो कि आज क्या था, डेट था जो, हाँ ठीक है सर, ठीक बताते हैं। 30/9/24 डेली के, पहले तो बता दूं हम डेली के शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो इसलिए आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, जिससे कि जुड़ जाते हैं बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। डेली और सबसे पहले हम बताएंगे, देखिए 30/9/24 को फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया था, फर्स्ट शिफ्ट का हम बताने वाले हैं आपको। और पहले देखिए डीबी वगैरह की बात करें, जॉब की बात कर लेते हैं, तो जॉब आपका देखिए कितने में आया था, ड्राइंग भी मैं दिखाऊंगा, परेशान ना हो। जॉब जो आपका है वो 5 mm में आया था, 5 mm मोटा, इतना सिंपल। लेकिन आपको मैंने, आपको पहले का वीडियो 10 दिन 10 जब मैंने करवाया था तो कहा था कि जॉब पतला या मोटा है आपको कितने प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस करवाया था 10 mm में कर लो, फिर 8 में कर लो, फिर 6 में कर लो, इससे कम में प्रैक्टिस करना नहीं है। ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे 5 को तो एकदम गर्दा की तरह भून दोगे, हेक्सा मिलेगा काटते चले जाओगे, प्रैक्टिस हार्ड करके जाना है। मैंने ऐसा भी करवाया था, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं जॉब के लिए। उसके बाद हम बात करें ड्राइंग का साइज, मेटल का साइज, फिटिंग था या सिंगल था, तो जॉब तो सिंगल आया था जिसका साइज क्या था, 60x40 mm, 60x40 और इंटू में आपका था 5 mm, यही आपके साइज का जॉब आया था। पूरा ड्राइंग में दिखाऊंगा, पहले थोड़ा बात कर लेते हैं टाइम क्या मिला। टाइम की अगर हम बात कर लें तो टाइम प्रॉपर पूरे 2.5 घंटे मिल रहे हैं, पूरे 2.5 घंटे मिल रहे हैं, पूरे 2.5 घंटे आपको जो है वो टाइम वगैरह जो है मिल रहा है। ड्रिलिंग टैपिंग, ड्रिलिंग टैपिंग नहीं था, ड्रिलिंग टैपिंग जो था
आज के जॉब में था ही नहीं। तो अगर आपने अगर आगे है तो सीख लिया तो अच्छी बात है, लेकिन सीख के ही जाना है, ये नहीं कि आज नहीं था तो नहीं सीख के जाएंगे, आपको सीख के जाना है। और बात करें वन ईयर कैलिपर टूल जो है, मेन सभी का प्रश्न रहता है कि वन ईयर कैलिपर कितने लड़कों पर मिल रहा है, तो देखिए किसी किसी को सिंगल भी मिल गया था 1:1, और किसी को 3:1 मिला था, 3:1 मिला था, 3 लड़कों पर एक जो है वन ईयर कैलिपर वगैरह मिला था। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर क्या जेनी कैलिपर मिला था? हाँ, जेनी कैलिपर भी मिला था, टूल्स में आपको जेनी कैलिपर भी मिला था। और क्या टूल्स में मिला था? हाइट गेज। हाइट गेज का प्रश्न रहता है कि सर हाइट गेज, वन ईयर हाइट गेज जो था वो कितने लड़कों पर मिला था? तो मैं बता दूं, लगभग 50-60 लड़के थे, 50-60 लड़के पे 5-6 के आसपास हाइट गेज थे। मतलब कि अगर हम मान के चलें तो 10, एक हाइट गेज पर 10 लड़के का एवरेज मान के चलिए कि इतना था। कोई दिक्कत नहीं है, जॉब भी सिंपल है, हाइट गेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मार्किंग करने, जो मार्किंग सीखा होगा उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मार्किंग वगैरह करने में। और हम बात कर लेते हैं कुछ वाइवा प्रैक्टिकल लिखना पड़ा कि नहीं पड़ा। प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल नहीं लिखना पड़ा है, प्रैक्टिकल क्या है लिखना ही नहीं पड़ा है। और उसके बाद वाइवा हुआ कि नहीं, वाइवा भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं पूछा गया है, कुछ नहीं पूछा भी नहीं गया है। डीवी, अब बात करें कि सबसे पहले आप जाते हैं तो इंट्री में ही, इंट्री करने के बाद आपका जो है थंब वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होना है आपका जो है डीवी होना है। डीवी में कोई डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट छिपाना नहीं है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सभी शो करने हैं, सभी आपको जो है वो बताना है। डीवी होने के बाद आपको एक बेंच वाइज जो है अलॉट हो जाएगा, बेंच वाइज अलॉट होने के बाद आपको उसी बेंच वाइज पे टूल्स वगैरह सब रखा रहेगा, है ना, एक थैले वगैरह में कुछ में टूल्स वगैरह सभी प्रॉपर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसी बेंच वाइज पे आपको जो है करना है। टूल्स सब का प्रश्न है कि टूल सब कैसा है, नया है पुराना है, प्रॉपर सभी टूल्स है कि नहीं, प्रॉपर सभी टूल्स हैं और सभी टूल्स एकदम नया है, एकदम नया टूल्स मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जिनका भी आगे स्किल टेस्ट है वो नंबर नोट कर लेंगे, इस नंबर पे हमें कॉल करके रिव्यू देंगे, है ना। आज आपको हेल्प मिल रहा है, कल आपको किसी और को हेल्प करना है, इस नंबर पे कॉल करके आपको जो रिव्यू देना है जिनका आगे स्किल टेस्ट है, और जिनका है वो आज वाले देख जाए, है ना, इस पे कॉल करके आपको रिव्यू कर देना है, या फिर इस पे ड्राइंग बना के सेंड कर देना है, ड्राइंग भी सेंड कर सकते हैं बनाकर। और डीवी तक हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है, भाई भाई वगैरह नहीं हुआ, ना ही प्रैक्टिकल लिखना पड़ा, ड्रिलिंग टैपिंग ऑपरेशन था ही नहीं, हाइट गेज वगैरह भी प्रॉपर मान के चलते हैं कि 10:1 हाइट गेज था, बहुत है, उतना काफ़ी है हाइट गेज वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइंग की। और देखिए हमने जो बनाया था, देखिए हमने आपको इस तरह पे हमारे जो स्किल सेंटर पे भी था वहाँ पे भी देखिए हमने इस तरह का जॉब पहले ही बनवा के रखा था इधर, और थोड़ा ऑपरेशन टफ कर दिया था कि इस तरह का कोई जॉब आए तो वो बना ले, इस तरह का हमने प्रैक्टिस करवा के रखा था। और 10 MM में हमने प्रैक्टिस करवाया था कि कोई किसी को भी दिक्कत ना हो, है ना। और हमने यूट्यूब पे भी बहुत हार्ड से हार्ड और इजी से इजी ड्राइंग सब बना के रखा था कि कोई भी मेरा भाई छूटे ना इस बार स्किल टेस्ट में। और आज क्या आया था उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। सभी साथी, जितने साथी मेरे देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं डेली एनालिसिस लाने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को भाई लाइक कर दो, एक कॉमेंट में मेरे लिए कुछ अच्छा सा लिख दो, प्रैक्टिकल के लिए लिख दो, नहीं तो कोई क्वेश्चन है तो आप वो भाई वो लिख दो, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि सॉल्व हो जाए, है ना। इसीलिए मैं आज बैठा था कि नहीं, आज का एनालिसिस कराना ज़रूरी है, दोस्तों को बताना ज़रूरी है जिनका कल एग्ज़ाम है, और सब एक दो दिन लेट चलता था, लेकिन इसमें लेट नहीं होना चाहिए, भाई का ज़िंदगी का सवाल है। तो यहाँ देखते हैं जॉब वगैरह के डायमेंशन साइज हम बनाएंगे, इसकी थिकनेस भी ले लेते हैं हम, यहाँ से थिकनेस था 5 MM थिकनेस था। साइज की बात करें तो यहाँ से था 60 था, और यहाँ पे एक 10 का रेडियस था, 10 ये हो गया तो 50 इसको कर लेते हैं, 10-50 दिख रहा है सर, 10-50 हो गया। और इधर हम बात करें तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ था 8-10, क्या था 8-10 का था। और ये हम देखें यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी आपको ये 10
दस बीस, देखिए ये दस, ये दस और बीस है, तो आपको जाहिर सी बात पता चल जा रहा है यहाँ पे एक सेंटर बना है, सेंटर लाइन है ये, है ना। तो ये भी यहाँ से यहाँ जो है वो दस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इधर की दूरी थी, ये जो बीस हो गया, ये जो बीस हो गया, तो यहाँ पे एक ये ऐसा दिया गया था ड्राइंग में, ये जो है बीस। अब पूरा लिखा गया था कि नहीं, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, है ना। अगर आपको एक साइड भी लिखा मिल जाए तो आप समझ सकते हैं इधर बीस है तो साइड में तो बीस होना ही है, चालीस हो जाएगा। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार आपको समझाने के लिए लिख दिया। यही आपका ड्राइंग था, एक जो है इसमें टेपर आ गया, दो तरफ से स्लॉट है, रेडियस है, इस तरह के आप ड्राइंग। और सभी गलती क्या है करते हैं कि आपको ये राउंड सबसे सही नहीं बन पाता है, तो आप राउंड वगैरह बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे। और इस जॉब का मार्किंग अगर करना हो तो मार्किंग करने के लिए मैं इसका मार्किंग भी बता देता हूँ। देखिए मार्किंग अगर करना हो तो हम दो एज बनाते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने इधर वाला एज बना दिया, इधर प्रॉफिट है बनाने में, तो इधर से हम चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर से आना है 20 मार्किंग के लिए, 20, 20 के बाद आना है 30, 20 हो गया, 30 हो गया, 30, 30 के बाद ये और लाएंगे 40। अब आप कहेंगे कि 40 की तो खैर ज़रूरत नहीं है, तो खुद बन जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए, ये लाइन के लिए 40 ज़रूरी है, है ना। 40 हो गया, उसके बाद एक कर देंगे 60 के बाद एक ये कम है तो वो हो जाएगा आपका 50, 50 के बाद एक टोटल ले लेंगे जो हो जाएगा आपको 60। दिख रहा होगा बहुत सभी दोस्तों को, 60 हो जाएगा, ये हो गया। अब इधर से चलेंगे तो हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ जाना है, 10 बनाएंगे, 10 हो गया, 10 के बाद एक ले लेंगे 20 की लाइन, 20 हो गया, 20 के बाद एक 30 लगा लेते हैं। अब आप कहेंगे 40 की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये पॉइंट भी लेगा, रेडियस बनेगा, अपने आप 40 हो जाएगा। अगर आप 40 की लगा भी लेते हैं तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम बहुत एक्स्ट्रा है, 5 AM में 2.5 घंटे का समय मिल रहा है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। मार्किंग करने के बाद एक बार चेक भी कर लेना है, हाँ 20-30 यहाँ जा रहा है, 40 यहाँ जा रहा है, 50 की लाइन ये है, 60 की लाइन ये है, 10 ये है, 20 ये है, 30 ये है, 40 ये, ऐसे करके इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि कोई दिक्कत ना हो। कभी होता है कि आप पूरे तरह से संतुष्ट होते हैं लेकिन मार्किंग पंचिंग में बात आप गलत कर देते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। और पंचिंग करने के बाद, पंचिंग जो भी है करने के बाद आपको जो है एक बार ड्राइंग मिला लेना है, ड्राइंग से एक बार मिला लेना है कि हाँ मेरा उसी तरह का जॉब जो है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आज मैं यही था, मैंने अपने तरह से पूरा जो है बता दिया है। अगर आपको कोई टॉपिक या कुछ पूछना हो, और हाँ एक और विशेष बात, जिनके पास एडमिट कार्ड की पर्ची वगैरह नहीं थी, स्लिप वगैरह नहीं थी, इन सभी का भी क्वेश्चन आता है, तो वो लोग ध्यान देंगे स्लिप वगैरह के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बस रिमार्क कर दिया जाएगा कि आपके पास वो पर्ची आपने नहीं दिया। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह छूट जाता है तो आपसे बोला जा रहा है कि अगली बार आप DB होगा फिर, तो उसमें आपको जो है वो दे देना है, बाकी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।